दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं विवेक सिंह हूं। दोस्तों टेक्निकल सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कल पूरे दिन आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे जगहों पर आईक्यू Z6 प्रो एंड कह रहे हैं लोग वेट करो क्योंकि जल्दी इंडिया लॉन्च होने वाला। वैसे 91 मोबाइल्स ने एक एक्सक्लूसिव लीक बताई है क्योंकि उनको किसी इंडस्ट्री के इनसाइडर ने बताया था कि ये स्मार्टफोन जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। क्या बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। क्या सारी चीजें पता चली अभी तक, क्या एक्सपेक्टेड है और क्या सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है, सबके ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। 91 मोबाइल के हिसाब से इसकी प्राइस जो होगी 25,000 के आसपास होगी, जो बेस वेरिएंट होगा, पॉसिबली 8GB 128GB। मुझे नहीं लगता कि 6GB 128GB लेकर आएंगे। एंड ये स्मार्टफोन आईक्यू Z5 जो आया था ना एग्जैक्टली वही रहेगा, 90% कहूंगा, एक बड़े डिफरेंस के साथ। क्या सारी चीजें उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना। चलिए अच्छी बात है, इसमें आपको 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। आईक्यू Z5 में आपको IPS LCD का मिला था, यहां पे आपको सुपर एमोलेड का देखने को मिलने वाला है। यही एक मेजर डिफरेंस होगा। पांडा ग्लास के सपोर्ट के साथ आएगा, रियर साइड पे पॉलीकार्बोनेट होगा, ट्रिपल कैमरा होगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा या अंडर डिस्प्ले, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको यहां पे सुपर एमोलेड का इस बार डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। चलिए अच्छी चीज है, तो उस हिसाब से वो सक्सेसर हो जाएगा Z5 का। चलिए चिपसेट की बात करोगे तो स्नैपड्रैगन 778G ही आने वाला है, 4.5-5 लाख के बीच में इसका स्कोर आ जाता है। परफॉर्मेंस तगड़ा रहेगा, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। एड्रीनो 642L जो है गेमिंग ग्राफिक्स भी अच्छी खासी संभाल लेगा, उसमें भी इशू नहीं आएगा। एंड ये उनका जो फंटच OS है उसके ऊपर आने वाला है जो कि एंड्रॉइड 12 के साथ आएगा। अच्छी चीज है, परफॉर्मेंस का सेगमेंट तगड़ा रहेगा। कैमरा की बात करोगे, रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा रहेगा, 64 मेगापिक्सल वाला EIS के सपोर्ट के साथ, 64+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेंसर रहेगा, रियर से 4K, फ्रंट से 1080 वाले कर पाओगे एंड कैमरा अच्छे होंगे। लिटरली आईक्यू Z5 के भी अच्छे थे, इसका भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं अच्छे कैमरास होंगे। चलिए अच्छी बात है, बैटरी चार्जर की बात करोगे तो वही 5000mAh की बैटरी, देन उसके साथ साथ आपको 44W का फास्ट चार्जर देखने को मिलने वाला है, यानी फास्ट चार्जर भी अच्छा रहेगा एंड बैटरी भी अच्छी रहेगी, उसमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे टाइप सी के पोर्ट के साथ। मतलब बैटरी चार्जर में आपको ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सेंसर्स की बात करोगे, जैसे मैंने कहा फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, लेकिन अभी ये नहीं कंफर्म है कि साइड वाला होगा या इन डिस्प्ले। अगर एमोलेड है तो शायद आपको इन डिस्प्ले भी देखने को मिल सकता है। 3.5mm जैक रहेगा, ये चीज याद रखना। स्टीरियो स्पीकर्स रहेंगे, अच्छी चीज है। इसके अलावा एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जितने भी सेंसर आते हैं वो सारे मिल जाएंगे सेंसर्स में, और कोई इशू आने वाला नहीं है। पॉसिबली आपको कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, यानी एक्सपांड नहीं कर पाओगे, लेकिन बेस वेरिएंट जो होगा कहा जा रहा है 8GB 128GB चालू होगा, जिसमें आपको UFS 3.1 और LPDDR5 का सपोर्ट मिलने वाला है, तो वहां पे भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी, वो सब चीजें टॉप नॉच की होंगी, तो सारे आपको चीजें मिल जाएंगी इसमें। एंड जैसे मैंने कहा प्राइसिंग कही जा रही है 25,000 के आसपास से चालू होगी, लेट्स सी देखते हैं किस प्राइस पर लेकर आते हैं। कहा जा रहा है कि आपको मई एंड होने से पहले पॉसिबली ये इंडिया में देखने को मिल सकता है। अब लेट्स सी, वेट कर लेते हैं कब तक लेकर आते हैं, किस प्राइस पे लेकर आते हैं। 91 मोबाइल्स की माने तो इंटरनल जो है उनके इंडस्ट्री के, उन्होंने इनको बताया कि इसके ऊपर अभी काम चल रहा है एंड पॉसिबली जल्दी ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है। यही चीजें हैं, देख लेते हैं क्या चीजें लेकर आते हैं, क्या चीजें मिलती हैं आपको, जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे आपको बता दूंगा। वेट करोगे नहीं इसका जरूर बता देना। कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। साइड में देखो बैक टाइम के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे जाना यार, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, आज इंस्टाग्राम पे सब आंसर्स मिलते हैं आपको, मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।